दोस्तों, क्या आप बद्रीनाथ जी की कहानी जानते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बद्रीनाथ ये वो जगह है जहां शिव और पार्वती रहते थे, ये उनका घर था। एक दिन नारायण यानी विष्णु के पास नारद जी गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल है। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं, आपकी पत्नी लक्ष्मी जी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है और आपको लाड़ करती रहती है। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए विष्णु तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश के लिए नीचे हिमालय तक आए। वहां उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर जहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लगी उन्हें वही। वहीं उस घर के अंदर वह गए। घुसते ही उन्हें पता चला कि ये तो शिवजी का निवास है और ये तो बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं। उन्हें ये पता था कि अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह अपना आपा खो देंगे। उस समय शिवजी और पार्वती जी वहीं कहीं टहलने गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक जोर जोर से रो रहा है। पार्वती जी को दया आई, उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती ने कहा, कितने क्रूर हैं आप, कैसी नासमझी की बात कर रहे हैं, मैं इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखो तो कैसे रो रहा है। शिव बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो, मैं कह रहा हूँ ना, इस बच्चे को मत उठाओ। बच्चे के लिए पार्वती की स्त्री सुलभ मनोभावना ने उन्हें शिव की बातों को नहीं मानने दिया। उन्होंने कहा कि आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे अंदर की माँ बच्चे को इस तरह रोते नहीं देख सकती, मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाएंगी, जरूर उठाऊंगी। और ये कहकर उन्होंने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से था और शिवजी की तरफ बहुत खुश होकर देख रहा था। शिव जी इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करे तो करे क्या, इसीलिए उन्होंने कहा, ठीक है चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप किया और वहीं पर घर पर छोड़कर खुद शिव के साथ गर्म पानी में स्नान करने के लिए बाहर चली गई। वहां पर गर्म पानी के कुंड थे, वहीं कुंड पर स्नान करने के लिए शिव पार्वती चले गए। लौटकर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। शिव तो जानते ही थे कि अब खेल शुरू हो गया है। पार्वती जी हैरान थी कि आखिर दरवाजा बंद किसने किया। शिव जी बोले, मैंने कहा था ना इस बच्चे को मत उठाना, तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। पार्वती जी ने कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं। शिव के पास दो विकल्प थे, एक जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दें और दूसरा वे वहां से चले जाएं और कोई और रास्ता ढूंढ लें। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि ये तो हमारा प्यारा बच्चा है, इसीलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह शिवजी और पार्वती जी को अवैध तरीके से वहां से निष्कासित कर दिया गया भगवान विष्णु द्वारा। दूसरी जगह तलाश करने के लिए वे पैदल ही निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। आखिर में वे केदार में बस गए और इस तरह शिवजी ने अपना खुद का घर खो दिया और वो बन गया विष्णु जी का बद्रीनाथ। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।